अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड, सरताज जावेद के चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक। आज मैं बनाने जाती हूँ बोंडे चटनी। देखो ये कैसे बनाना, कि क्या इंग्रेडिएंट्स आना, कि सब भी वीडियो में बताता हूँ, स्किप करने सर का। देखो अच्छे टेस्ट हैं, अच्छे जमीन। ये बनाने के लिए हैं पे मैं मैदे का आटा लूँ। देखो ये मैदे काटे से बनाना, जब भी अच्छे टेस्ट आते हैं। छान ले को रख लूँ। देखो एक कप मैदे का आटा, अभी आटे में नमक ऐड करती हूँ एक चम्मच। सोडा नमक के को पाव चम्मच। देखो वेज बेकिंग सोडा बोलते हैं नहीं, वो डाले तो चच्छा फूकने का। वो दही भी ऐड करती हूँ। देखो एक कप दही, एक का तो दही जिसको इम्पोर्टेंट, दही में चे मिक्स करना सो बैटर पूरा वास्ते दही ऐड करती हूँ। दही डालने के बाद सब अच्छा हाथ से मिक्स करती हूँ। देखो मालूम तो मैं कभी बोलता हूँ विस्करांसी स्पूनासी अच्छा मिक्स होता नहीं है, हैंड्स के जरिए से अच्छा मिक्स करना बोल को, इसलिए मैं हैंडिच इस्तेमाल करती हूँ। अरे बैटर अच्छा बन गया। देखो ये ऐसा है तो बस थिकनेस सब अच्छे से मिक्स हो गया। एक हाफ एन आवर रेस्ट को रख डालता हूँ, ये अच्छा पिकता है। एक हाफ एन आवर रख डालेता हूँ। ये भिगे तक हम यहाँ चटनी प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे पैन रखो, दो चम्मच ऑयल ऐड करें। देखो एक चार मिर्चें भी अच्छे से कट करके रख लूँ। टमाटे भी अच्छा वॉश करको, एक चार पांच टमाटे कट करके रख लूँ। एक प्याज की डली भी अच्छे से कट करके रख लूँ। देखो तीन भी ऐड करती हूँ। अभी इसमें जो तेल में पकना, देखो पानी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, का एक का तो टमाटे का पानी छूटता नहीं। एक चम्मच नमक ऐड करूँ। देखो कैप लगाता हूँ थोड़ी देर मगने के लिए, ज़रा मगिन। देखो अब उसमें खोतमीर ऐड करती हूँ, तो अच्छे से मिक्स करता हूँ। देखो इधर पानी छूटा। देखो टमाटे में का अरे इसमें एक प्याज की डली बारीक कट कर लूँ, वो भी ऐड करती हूँ। हाफ एन आवर हो गया बल को। एक तीन चार हरी मिर्च कट कर लूँ। देखो वो भी ऐड करती हूँ। थोड़ी खोतमीर कट कर लूँ। देखो वो भी ऐड करती हूँ। पहले खाली आटा नमक सोडा नमक डाल को एक हाफ एन आवर रखूँ। हाफ एन आवर के बाद अब सब मिक्स करती हूँ। देखो उसमें डाल को प्याजू खोतमीर मिर्चें, अरे पानी भी सूख गया। देखो अच्छा नजदीक होगा। अभी ठंडा ही बात तुम्हारी मर्जी, दाल घोटनी लेकर हंदे घोटे जा, नहीं तो मिक्सी में हंदे डाल लिए जा। हम पे पैन रखूँ। देखो हीट होने के लिए आइलू डी फ्राई को कितना होना के उतना डाल लो आइलू। दाल अच्छे से हीट किया। देखो अब उसमें बोंडे डालता हूँ, हल्लू छोड़ना ऐसा। अरे अच्छा पक गई। देखो ऊपर का गई। अब उसे ऐसा छन्नी लेको पूरा टर्न करता हूँ दूसरी तरफ। अब सेम बड़े भजिया सब कैसे डाल लेते हैं कि वैसा चो ये छन्नी है तो अच्छा ऑयल छुड़िया था वास्ता इसी छन्नी से बनाओ। सब अच्छा पक गई। देखो ज़्यादा नको रोस्ट करो, फिर को खट्टू हो जाती। बस जब भी मालूम होता तो पके सो नहीं सो देखो ऐसा इतना कलर है तो बस काट देना, फिर खट्ट है तो अच्छा नहीं होते। फिर से ऐसा चू फिर ऐसा डाल लेना, हल्लो ऐसा छो लेना ऑयल में। अदे बनकर रेडी हो गई। देखो एक सर्विंग प्लेट में काट लूँ। अदे चटनी अदे बोंडे बोलूँ तो चटनी घोट लिए तो घोट लो, दाल घोटने लेको नहीं तो मिक्सी में तो भी डाल लो। अरे ऐसा एक सर्विंग प्लेट में का डाल को आप लोगों को बताती हूँ। देखो चटनी बोंडे रेडी हो गई, अच्छे टेस्ट हैं, अच्छे जमी।
ये रेसिपी आप सभी लोगों को पसंद आती बोल को उम्मीद करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग भी ट्राई करो। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़। बाय।